Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. Channel को subscribe करिए और hit the bell icon so that जब भी मैं video upload करूँगा आपको notification मिल जाएगा. आज का हमारा SNT related lecture है. Okay, day before yesterday on Sunday Hindu newspaper में हमेशा science edition आता है. All the UPSC aspirants जो भी prepare कर रहे हैं competitive examination के लिए, especially UPSC के लिए, they have to definitely go through this particular पेपर ऑन संडे. ठीक है, और जो भी अदर स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज़ यहां पे एनालिसिस होती है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ डिस्कशन होता है पर्टिकुलर थ्योरी का, उसके ऊपर अगेन न्यू डेवलपमेंट जो भी होते हैं वो आते रहते हैं, तो इसका आपको कॉन्साइंस प्रिसाइज कहीं पे भी मिल जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट यूपीएससी एस्पिरेंट्स उनके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके सिलेबस में भी है, और बेसिकली यूपीएससी में ये लिखा हुआ है कि करंट डेवलपमेंट्स, ओके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, करंट डेवलपमेंट्स इन साइंस, लाइक दैट इट इज रिटन. इसका मतलब अभी क्या क्या डेवलप हो रहा है साइंस में, ओके, वेदर इट इज बायोटेक्नोलॉजी, वेदर इट इज रोबोटिक्स, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज एटॉमिक एनर्जी, वेदर इट इज ओके स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आजकल के ओके न्यू जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन ऑल्सो, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए. दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ यूपीएससी इज ऑल अबाउट. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉफी रिंग इफेक्ट. ये लिटिल बिट फनी सा भी है कि हम ऐसी चीजें भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज ओके व्हेन वी आर स्टडिंग दिस यू विल बी आल्सो लाइक थिंकिंग दैट क्या ये भी पढ़ना है, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिखता तो वेरी सिंपल है, ओके, नॉट नेसेसरी टॉपिक दिखता है, बट इट हैज गॉट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कुछ ना कुछ उसका ओके बहुत सारा इंपॉर्टेंस होगा इन फ्यूचर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक लंप स्किन डिसीज, ये कैटल रिलेटेड डिसीज है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनसाइट मिशन ऑफ नासा. इनसाइट मिशन ऑफ नासा ये कौन सा मिशन है और कहाँ जा रहा है, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट परसिवियरेंस रोवर, इसके बारे में पढ़ेंगे. और हमेशा कभी भी हम कोई प्लैनेट पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो प्लैनेट पे जाना चाहते हैं और ये ढूंढना चाहते हैं कि वहाँ भी लाइफ है क्या, वहाँ भी प्लांट्स है क्या, वहाँ भी एनिमल्स है क्या, वहाँ भी इंसान कभी हुए थे क्या, है या एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस, ओके, बाई बिकॉज अब ऐसी भी थीरी है कि जब अर्थ के पूरे रिसोर्सेस हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, तो सेम अर्थ लाइक प्लैनेट अगर आगे अगर अपने को मिल जाता है तो वहाँ पे भी घर बसाना हम शुरू कर देंगे. दैट इज वॉट इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लोरिंग वॉट न्यू प्लैनेट्स, ओके. एंड हमेशा मार्स ही क्यों जाते हैं, तो दैट इज वी हैव टू आंसर इट, राइट और रॉन्ग, यस, ओके, फाइन. सो लेट अस डिस्कस अवर लेक्चर इंट्रोडक्शन. देखिए आप यहाँ पे प्रॉपरली जब भी आप एक कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने के बाद में सपोज एक कॉफी का ड्रॉप जो कि लिक्विड ड्रॉप है, आपकी कॉफी लिक्विड है ना, तो वो लिक्विड ड्रॉप अगर स्पिल करके, स्पिल मतलब ऐसे ही उछल के टेबल पे गिर जाता है या कहीं पे भी गिर जाता है, आयरन रॉड पे गिर जाता है या जमीन पे गिर जाता है, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि ये सूख जाता है. जब ये सूख जाता है तो ऐसी एक रिंग दिखती है आपको, द सेम लाइक वॉट एवर इज शोन इन द इमेज हियर, ऐसी एक आपको रिंग दिखती है. मतलब क्या हुआ, जो ये पानी का छीटा था, कॉफी तो पानी है, पानी का जो छीटा था, ओके, जब वो नीचे गिरता है तो बीच का हिस्से का वाटर जो भी है वो पूरा एवोपरेट हो जाता है, और इसका ये भी इम्प्लीकेशन है कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल जो बीच में थे, ओके, ऑब्वियसली तो ये इस तरीके से गिरा होगा, ओके, ऐसा बल्ब शेप में गिरा होगा, राइट, उसके बाद में जो भी ये पार्टिकल्स है वो पूरे आउटवर्ड आ गए हैं, ओके, इस तरीके से आउटवर्ड यहाँ के पूरे पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए हैं और पानी जो भी है वो एवोपरेट हो गया है. दिस आउटवर्ड मूवमेंट क्यों होता है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर एज इफेक्ट, बिकॉज आउटर एज पे जा रहे हैं ना पार्टिकल्स, इसलिए वी कॉल इट एज व्हाट, आउटर एज इफेक्ट. सो दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट आर गोइंग टू स्टडी कि ऐसा क्यों होता है, ओके. वन इंपॉर्टेंट फिजिक्स थिंग दैट दे हैव टोल्ड कि ये कैपिलरी एक्शन से होता है, फाइन, सो आप ये भी बात याद रखिए कि कॉफी रिंग में कैपिलरी एक्शन भी होता है, एंड द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, सो यू कैन सी दैट ड्रॉपलेट्स तो एवोपरेट हो जाते हैं, एक ऐसी रिंग बन जाती है ऑब्वियसली, राइट. तो साइंटिस्ट ये मानते हैं अगर ये हम डिकोड कर सके कि इस तरीके से क्यों होता है और पार्टिकल्स इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, अगर हम ये डिकोड कर सके, फ्यूचर में वी विल फाइंड एप्लीकेशंस इन व्हाट, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फॉरेंसिक्स में हो सकते हैं, इवन डिसीज डायग्नोसिस में भी हो सकते हैं. सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर
from this lecture is coffee ring effect has got wide ranging applications. Okay, so in the field of agriculture, forensic science and even diagnosis. तो आपको इतना सब तो याद रखना है. सो दैट इज वॉट इज ऑल अबाउट. इसके ऊपर और ज्यादा डीप में थ्योरी नहीं मेंशन की गई है, नॉर इसमें स्टिल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं. तो आपको बस याद किया रखना है कि कॉफी रिंग इफेक्ट ये है और इससे ये एप्लीकेशंस हम डिराइव कर सकते हैं इन फ्यूचर. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट LSD, लंप स्किन डिसीज. आप देख रहे हैं कि स्किन पे किस तरीके से यहाँ पे पैचेस है. ओके, बेसिकली सीन इन व्हाट कैटल. और ये स्किन डिसीज होती है वायरस से. दिस स्किन डिसीज इज कॉज्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वायरस. और ये वायरस देखिए आप इस तरीके से होता है. ओके, ऑल ऑफ दीज आर वायरस. ओके, इस तरीके के वायरसेस को हम एक कैटेगरी में रखते हैं. दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज पॉक्स वायरस. आई मीन क्या बोलेंगे, पॉक्स वायरस बोलेंगे. पॉक्स वायरस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एक वायरस का बड़ा ग्रुप होता है. उसका जीनोम बहुत बड़ा होता है. डीएनए उनका लार्जेस्ट डीएनए होता है. ओके, और जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत बड़ी लंबी चौड़ी होती है. उस तरीके के वायरसेस को हम कहते हैं कि पॉक्स वायरसेस. ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ये याद रखना है आप कि लंप स्किन डिसीज किसके लिए किसको इफेक्ट करती है, इंसान को, कैटल को या प्लांट्स को. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये एनिमल करती है, कैटल नथिंग बट एनिमल्स को इफेक्ट करती है. राइट, ओके, ये डिसीज किस पैथोजन से होती है. सो आप याद रखेंगे कि वायरल, ये वायरस से होती है. ठीक है, फाइन. ये पहली बार कहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, जाम्बिया में हुआ था. ओके, और उसके बाद में 2016 में रशिया में रिपोर्ट किया गया था और ऑल्सो साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, बेलारूस में, पोलर में, इस्टोनिया में, वहां पे भी आया था. इंडिया सब कॉन्टिनेंट में भी आ गया है. चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, वियतनाम यहाँ पे भी दिखा है. दे हैव रिपोर्टेड द सेम डिसीज ऑन द कैटल. ओके, और इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे पहला केस आया है ओडिशा में 2019 में देखा गया है. तो आप ये एक्चुअली ये तीन जो पॉइंट्स हैं, दिस थ्री पॉइंट्स, ये वाला दिस थ्री पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूशन. आप ऐसा लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज, एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज है ये. ठीक है, तो आप ये भी बात रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरीके से कि लंप स्किन डिसीज इज बेसिकली एंडेमिक टू अफ्रीकन कंट्रीज, रॉन्ग. एंडेमिक टू अमेरिकन कंट्रीज, रॉन्ग. नाउ इट इज स्प्रेडिंग इवन टू व्हाट एशिया, इवन टू व्हाट साउथ एशिया, इवन टू व्हाट यूरोप, एवरीवेयर. ओके, सो याद रखिए इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है. यू शुड नो कि कहां पे है ये. देन इसका उसके बाद में क्या हुआ, इनकी सीक्वेंसिंग हुई. ये वायरस का स्टेनिंग हुआ. स्टेनिंग का मतलब है कलर करना हुआ. और उसके बाद में मालूम ये हुआ कि इनके पास बहुत बड़ा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए है. और रशिया ने इसके लिए एक वैक्सीन बनाई थी. वो वैक्सीन इतना काम उनके ऊपर नहीं करी है. फिर से उन्होंने वैक्सीन नहीं बनाई, फिर वो वैक्सीन उनके ऊपर काम नहीं करी है. तो बेसिकली मतलब क्या है, अगर आप वैक्सीन दे रहे हैं फिर से वो डिसीज आते जा रही है, आप वैक्सीन दे रहे हैं फिर से वो डिसीज आते जा रही है, इसका मतलब क्या है. यहाँ पे आप देखिए को एवोल्यूशन हो रहा है. क्या हो रहा है, को एवोल्यूशन ऑफ वायरस एंड वैक्सीन. वैक्सीन का जो फॉर्मूला है और वायरस जो है वो को एवॉल्व कर रहा है. आप एक नई वैक्सीन, आप जो वैक्सीन देंगे तो वो अपना चेंज कर देगा सीक्वेंस, और उसके ऊपर वो वैक्सीन से वो रेसिस्ट करना शुरू कर देगा. फिर आप और एक वैक्सीन देंगे तो फिर वो अपना सीक्वेंस चेंज कर देगा, फिर वो इनइफेक्टिव हो जाएगा वैक्सीन. इस तरीके से ये जो पॉक्स वायरसेस है, इनका लार्जेस्ट डीएनए रहने की वजह से, इतना बड़ा डीएनए सीक्वेंस है इनका, ये आराम से इसको रेप्लिकेट कर सक रहे हैं, आराम से इसको रिकम्बाइन कर सक रहे हैं और अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं. सो दैट दे कैन एस्केप व्हाट, वैक्सीन को एस्केप कर रहे हैं. दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वायरस बोलते हैं हम उसको, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, सॉरी वायरस वी कॉल इट एज. व्हाई, बिकॉज ये रिकम्बाइन कर रहे हैं अपने जीएनओ डीएनए सीक्वेंस को. दैट इज द रीजन. राइट, सो वैक्सीन मेड इन इफेक्टिव. द ओनली रीजन फॉर दिस इज द वायरस इज एवॉल्विंग. यही है वो स्लाइड में अभी जो एक्सप्लेन करा मैं आपको. अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन दैट आई हैव फाउंड इन द एडिटोरियल. तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एनिमल हेल्थ या प्लांट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, तो आप किस तरीके का कंक्लूजन लिखना चाहेंगे, तो आप इस तरीके का लिखिए. हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एनिमल एंड प्लांट हेल्थ आर की टू व्हाट ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज वही अपने कार्ब सोर्स है, वही अपने
ऑयल सोर्स है, वही अपने न्यूट्रिएंट सोर्स है बेसिकली, वो जिंदा है तो हम जिंदा है बिकॉज वी आर ऑल्सो हेटरोट्रोप्स हियर, राइट? या एंड दैट्स वाई प्लांट हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ ओनली, दैट्स वाई वी हैव टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वन हेल्थ। तो सबकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, वो प्लांट रहो या एनिमल रहो या ह्यूमन रहो। एज वी मूव टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इन द इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज द नीड हैज नेवर बीन एक्यूट, अभी बहुत जरूरी है, ओके, फॉर प्रिपेयरनेस विथ न्यूअर एंड बेटर टूल्स लाइक मॉलिकुलर सर्विलेंस करना बहुत जरूरी है, वायरस का मॉलिक्यूल देख के उसका सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज लेके आके हम स्टॉप करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए एनी न्यू पैथोजेंस अफेक्टिंग आइदर प्लांट आइदर एनिमल। तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी रहने के बाद में वो टेक्नोलॉजी को हम यूज करके वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट प्लांट और एनिमल सेफ रहे सो दैट हमारी हेल्थ सेफ रहे, राइट? अभी हम देखते हैं नासा का परसिवियंस रोवर, देखिए, ओके, परसिवियंस रोवर, सो ये आराम से गया है मार्स पे, ऑलरेडी जाके है वहां पे, वो डिग करा है, खुदाई शुरू कर दिया है कब की, खुदाई करने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक के पास गया है, सेडिमेंट्री रॉक यू नो इट इज फॉर्म बाय लेयर 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 डिपोजिशन ऑफ वॉट सॉइल प्लांट्स एक्सेट्रा, ओके, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर इस तरीके से रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये खुदाई डीपर कराए, डीपर करके नीचे नीचे के हिस्से से थोड़े बहुत सॉइल सैंपल्स लिया है, ओके, कलेक्टेड 4 सेडिमेंट्री सैंपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सैंपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। और जनरली ये कहा जाता है कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स अगर अंदर से लेते हैं तो, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बोल के भी हम कहते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम खोदाई अच्छी करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक, बेसिकली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक थिंग। तो ऑर्गेनिक इज डिराइव फ्रॉम व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो भी मरे बाद जो भी डेरिवेटिव्स निकलते हैं, लिविंग प्लांट रो एनिमल रो ह्यूमन बींग रो, इनके मरने के बाद जो भी इनका एंड स्टेज में जो भी डिकम्पोजिशन होता है वी कॉल दैट पर्टिकुलर स्टेज एज ऑर्गेनिक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑर्गेनिक चीजें पाई जाती हैं, तो ये परसिवियंस रोवर्स के मद्देनजर रखते हुए इसको डीपरली डिग किया गया है सो दैट सेडिमेंट रॉक में ऑर्गेनिक अगर मटेरियल मिल जाता है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं चलो भाई यहाँ पे लाइव थी, या लाइव थी तो पूरी डिस्ट्रक्ट हुई थी, क्या हुई थी वी कैन इजिली नो, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वॉट ऑर्गेनिक मटेरियल विच आज डिराइव फ्रॉम वॉट ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये पूरे सैंपल्स है वापिस लाना है, ओके, टू द अर्थ, उसके बाद में हम उसके ऊपर जान क्या बोलते इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स है या नहीं, ओके। देखिए आप याद रखिए अगर किसी को टीबी होती है तो इनका इलाज है डॉट्स, ओके, क्लियर? अगर किसी को कैंसर होता है यू नो दैट उनकी थेरेपी है ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, राइट? तो आजकल अगर किसी को कोविड होता है तो इनकी थेरेपी क्या है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक स्टार्ट कंसोर्टियम, ये है कोविड ट्रीटमेंट की, ओके, बेसिक मेथोडोलॉजी, और वो इस नाम से जानी जाती है क्विक स्टार्ट कंसोर्टियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको, अगर एग्जाम में आता है द टर्म क्विक शॉर्ट कंसोर्टियम इज रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन, ओके, कोविड हेल्थ और आईटी। तो बिकॉज आपको पता ही है यूपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आपको आ गया तो यू कैन गेट 1 मार्क्स, बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट? नासा का इनसाइट मिशन देखिए आप, 2019 में लॉन्च किया गया है, ओके, सो 19 और 18 हो सकता है, बेसिकली 19 ही होगा, ओके, देन मे 5th को लॉन्च किया गया है, देन आप देख सकते हैं कि मेजर एम क्या है, टू डिटेक्ट मार्स क्वेक, अर्थ में अगर क्वेक्स होते हैं तो हम अर्थ क्वेक कहते हैं, मार्स में अगर क्वेक्स होते हैं तो हम मार्स क्वेक कहते हैं। तो ये इनसाइट मिशन से नासा ये जानना चाहती है कि किस तरीके से वहां पे सिस्मिक वेग काम करते हैं, मार्स में सिस्मिसिटी किस तरीके से चल रही है, और ऑल्सो टू नो द मिस्ट्री ऑफ वॉट, ओके, अर्थ की रॉकी मिस्ट्री ऑफ वॉट द रॉकी प्लैनेट, कि किस तरीके से हमारा अर्थ और मार्स किस तरीके से डिफरेंस है, तो उसकी मिस्ट्री भी देखना है। ये 2 साल का मिशन है, ओके, बेसिकली इट विल टॉक स्टडी अबाउट वॉट सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी में सिस्मिक वेव्स ट्रांसपोर्ट, हीट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से मार्स में हीट ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, एक्सेट्रा, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मार्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज के चढ़ाव है क्या, उतार है क्या, पहाड़ है क्या, इस तरीके से ये भी देखना है मार्स में जाके, ओके, मेजर सेस्मिक वाइब्रेशंस को मेजर करना है, ठीक है, एंड ट्रैक द लैंडर्स, ओके, यू कैन ऑल्सो सी हियर रोटेशन भी देखना है इसका।
So these are the various applications of what, and not exactly applications. These are the various things that we wanted to aim or know from what InSight mission of NASA. तो एक हीट ट्रांसपोर्ट है, एक जियोडेसी है, एक सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस है, और एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है अपने को, और लास्ट वन इज रोटेशन के बारे में. तो पांच इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करना है ये इनसाइट मिशन को. रिमेंबर दिस पॉइंट. और ये इनसाइट मिशन नासा के एक अम्ब्रेला मिशन में है जिसका नाम है डिस्कवरी प्रोग्राम. नासा अम्ब्रेला प्रोग्राम, डिस्कवरी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के अंदर ये इनसाइट मिशन लॉन्च किया गया है. ओके, बेसिकली टू स्टडी व्हाट सेस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय मार्स. राइट, हम मार्स में ही क्यों जाते हैं हमेशा? बेस इसलिए जाते हैं कि मार्स एक ऐसा टेरिस्ट्रियल प्लैनेट है, बिकॉज आपको पता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो ये चार कहते हैं हम टेरिस्ट्रियल प्लैनेट. तो पूरे टेरिस्ट्रियल प्लैनेट में मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो इंडिया, जो अर्थ से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो थोड़े बहुत इक्वल साइज में है. तो हम इसलिए जाना चाहते हैं वहां पे. और हम ये समझते हैं कि मार्स में ये रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जिससे अपने को टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स कैसा फॉर्म होते हैं वो मालूम भी होगा, पता चलेगा. ओके, और साइंटिस्ट के लिए ये परफेक्ट लेबोरेटरी है टू सी द एवोल्यूशन ऑफ व्हाट रॉकी प्लैनेट्स किस तरीके से, बिकॉज अभी मार्स में वो रेड जेन कुछ ना कुछ चलते रहता है, इसलिए रॉक्स कैसा फॉर्म होते हैं वो मालूम करने के लिए भी मार्स अपने को एक अच्छा सोर्स है. साइंटिस्ट ये भी कहते हैं मार्स के पास जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, टर्बुलेंस बहुत कम होता है, तो वहां पे अगर जाके अगर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं होगा अपनी जान को, बिकॉज वहां पे सिस्मिक एक्टिविटी, टर्बुलेंस, डोडो डोडो डो ऐसा नहीं होता है. ओके, फाइन. एंड वन मोर थिंग यू रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू कैप्चर द डायनामिक ऑफ इम्पैक्ट ऑन मार्स. ये एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में आया था. तो मार्स नासा के इनसाइट मिशन से 4 न्यू क्रेटर्स आर क्रिएटेड बाय द इंपैक्ट ऑफ सरफेस ऑफ मार्स. मार्स के सरफेस पे इंपैक्ट होने की वजह से 4 न्यू क्रेटर्स मिले हैं, डिप्रेशंस मिले हैं. ओके, मार्स के सरफेस पे. ओके, यूजिंग डेटा फ्रॉम ए सिस्मोमीटर एंड विजुअल एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर द रिसर्चर्स सक्सेसफुली कन्फर्म द इंपैक्ट लोकेशंस भी मिल गए हैं. ये सबसे अच्छी डिस्कवरी है अभी तक की. ओके, द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वर ऑन बोर्ड वर इनसाइट. ओके, सिस सेस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर टू एस्टिमेट द अप्रोक्सिमेट लोकेशंस. ओके, सेस ए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड रिलीज. तो बेसिकली यहाँ पे मार्स का जो भी है ना वहाँ पे क्रेटर को फाइंड किया गया है और ये कंफर्म किया गया है कि ये क्रेटर किसी इंपैक्ट के वजह से एक खड्डा बना है, एक गड्ढा बना है, आप समझ सकते हैं. तो 4 नए गड्ढे फाउंड किए गए हैं मार्स के ऊपर और वो प्रॉपरली लोकेट भी किए गए हैं. अब वहां जाके एक्सपेरिमेंट करके देखना और खुदाई करके देखना कि वहां पे है क्या. वो करेगा कौन? पर्सिवियंस रोवर करेगा. ओके, सो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट टू स्टडी व्हाट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ मार्स. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ मार्स, दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड. ओके, इन द लास्ट संडे एडिशन. सो विल डू द एडिटोरियल्स. ओके, फ्रॉम टुमारो, कीप वॉचिंग मी, कीप शेयरिंग. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय, टेक केयर.